है प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। धर्म की नगरी काशी में जहां एक तरफ धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ तस्कर भी तस्करी के लिए सक्रिय हो जाते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में DRI विभाग को मिली बड़ी सफलता। महाशिवरात्रि के अवसर पर करोड़ों रुपए के अवैध गांजे की खेप को DRI विभाग ने लंका थाना क्षेत्र के डाफी इलाके से बरामद कर दो अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ के गांजे को वाराणसी में डिलीवरी के लिए उड़ीसा से लाया गया था। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। से भारी मात्रा में गांजे की रिकवरी की है, लगभग 20 क्विंटल। इसकी कीमत 3 करोड़ की गई है और ये कंसाइनमेंट गांजे की ट्रक में ग्रीन कोकोनट लगा हुआ था उससे छुपाकर बोरियों में था, लगभग 67 बोरियों में ये था। और इसके साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनके नाम खुर्शीद मोहम्मद हैं जो कि कोरापुट उड़ीसा का है। दूसरा व्यक्ति मटू शंकर बिंद है जो बरैनी कछवा का रहने वाला है और ये दोनों व्यक्ति इससे पहले भी गांजे की सप्लाई कर चुके हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। और ये मिर्जापुर और बनारस के आसपास की जगहों पर काफी बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं। पकड़ा गया जो गांजा है वो कितने कीमत का है और क्या उसका क्वांटिटी है? ये 20 क्विंटल गांजा है, ये 3 करोड़ कीमत है इसकी, 15,000 रुपये किलो के हिसाब से इसका दर रखा गया है और ट्रक की कीमत 10 लाख रुपए है।